हेलो फ्रेंड्स, तो यह है द सेवन क्रीम जग्स सीरीज सिक्स। तो जैसा कि हमने सीरीज फाइव में पढ़ा था कि पिकनकोट्स को उनका सिल्वर क्रीम जग वेलफिट के सूटकेस में मिल जाता है और वो बहुत खुश होते हैं। नरेटर, द सर्च इज़ अ ब्रीफ वन, मतलब जो ये सर्च है, जो उन्होंने टास्क कंप्लीट किया और ये कैसे हुआ है सब कुछ, ये एक एक्सप्लेनेबल है और ये बाद में एक्सप्लेन करेगा। अ सिल्वर क्रीम जग ले टक्ड इन अमंग विल्फ्रिड्स क्लॉथ, जो सिल्वर क्रीम जग था वो विल्फ्रिड के क्लॉथ में पड़ा, विल्फ्रिड के क्लॉथ के बीच पड़ा हुआ था सूटकेस में। मिस्टर पिकनकॉट द कनिंग ब्रूट, दोस्तों ब्रूट का मतलब तो वैसे जानवर होता है, लेकिन यहाँ मिस्टर पिकनकॉट विल्फ्रिड को एक ऑफेंसिव वर्ड कह रहे हैं। ही टुक वन ऑफ द क्रीम जग बिकॉज देर आर सो मैनी ऑफ देम, ही थॉट वी वुड नॉट मिस इट। उसने सोचा होगा कि यहाँ तो बहुत सारे क्रीम जग हैं, तो अगर वो उठा भी ले एक तो हमें पता नहीं चलेगा। तो मिस्टर पिकनकॉट विल्फ्रिड की आइडियोलॉजी सोच रहे हैं। मिसेस पिकनकॉट क्विक, लेट्स टेक इट डाउन एंड पुट इट बैक विद द क्लोथ अदर्स। तो चलो अब इसे रख देते हैं, इसे ले जाते हैं और पुट इट बैक विद द अदर्स, और सूटकेस को बंद करके चलते हैं। नरेटर, विल्फ्रिड इज लेट कमिंग डाउन टू ब्रेकफास्ट, व्हेन ही जॉइंस पिकनकॉट एट द टेबल ही सीम्स इल एट ईज। विल्फ्रिड ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा लेट आता है, नरेटर कह रहा है। जब वो टेबल में वो ब्रेकफास्ट ज्वाइन करता है पिकनकॉट के साथ, तो वो थोड़ा इल, थोड़ा सफरिंग, मतलब थोड़ा डिस्ट्रेस में होता है। एट ईज मतलब उस टाइम पे। विल्फ्रिड, आई हैव एन अनप्लीजेंट थिंग टू से, आई एम अफ्रेड दैट वन ऑफ द योर सर्वेंट मस्ट बी अ थीफ। विल्फ्रिड कहता है कि मुझे अनप्लीजेंट लग रहा है, ऑफेंसिव लग रहा है कुछ कहने में, मुझे डर है कि आई एम अफ्रेड दैट वन ऑफ योर सर्वेंट मस्ट बी अ थीफ, मुझे लगता है कि आपका कोई नौकर एक थीफ है। मिसेस पिकनकॉट, अ थीफ, शो को कहती हैं कि एक चोर। विल्फ्रिड, यस समथिंग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम माई सूटकेस, इट्स अ लिटिल गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम माई मदर एंड माई सेल्फ। तो विल्फ्रिड कहता है हाँ, मेरे सूटकेस में कुछ पड़ा हुआ था और कुछ निकाला गया मेरे सूटकेस में, वो एक लिटिल गिफ्ट था जो मेरी मम्मी ने और मैंने आपके लिए लाए थे हम। मिस्टर मिनकॉट, मिस्टर एंड मिस्टर पिकनकॉट, डिड यू से फ्रॉम योर मदर, क्या तुमने कहा कि तुम्हारी मम्मी की तरफ से लाए हो तुम। मिसेस पिकनकॉट, बट विल्फ्रिड द स्नैचर इज़ एन ऑर्फन। मिसेस पिकनकॉट अपने मतलब अब मनी मन में कहती है कि लेकिन विल्फ्रिड द स्नैचर, जिसको हमने ये माना है स्नैचर है जो, वो तो ऑर्फन है, मतलब वो अनाथ है, उसके कोई पेरेंट्स नहीं है। मिसेस पिकनकॉट टू हिमसेल्फ, वी हैव गॉट द रॉन्ग विल्फ्रिड। और मिस्टर पिकनकॉट भी अपने मन में कहते हैं कि हमने कोई दूसरा विल्फ्रिड समझ लिया इसे, ये विल्फ्रिड द स्नैचर नहीं है। विल्फ्रिड, आई शुड हैव गिवन द गिफ्ट टू यू लास्ट नाइट आफ्टर द डिनर, बट इट्स सिल्वर क्रीम जग एंड यू ऑलरेडी हैव सो मैनी ऑफ दैम। विल्फ्रिड ने कहा कि मैं आपको कल रात को ही देने वाला था गिफ्ट, लेकिन उससे पहले ही आपने मुझे अपने बहुत सारे क्रीम जग दिखा दिए, तो मुझे लगा कि अभी दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि पहले से आपके पास इतने हैं। आई वॉज प्लानिंग टू एक्सचेंज इट फॉर अनदर गिफ्ट दिस मॉर्निंग बट नाउ इट्स गॉन। मैंने प्लानिंग की थी कि मैं इस गिफ्ट को बाहर एक्सचेंज करा लूँगा फिर आपको दूंगा, लेकिन वो गायब है वही गिफ्ट, बट नाउ इट्स गॉन। मिस्टर पिकनकॉट, आर यू श्योर विल्फ्रिड दैट यू हैव अ मदर। मिस्टर पिकनकॉट कहते हैं क्या तुम श्योर हो विल्फ्रिड की तुम्हारी एक मम्मी है। विल्फ्रिड, व्हाट एन ऑड क्वेश्चन, ऑफ कोर्स आई हैव अ मदर। विल्फ्रिड कहता है ऑब्वियसली मेरी मम्मी है, शी इज़ ऑन वैकेशन इन इजिप्ट, वो इजिप्ट में है वैकेशन पे। शी रोड टू मी व्हेन आई वाज इन जर्मनी रिमाइंडिंग मी ऑफ योर एनिवर्सरी, जब मैं जर्मनी में था तो उन्होंने मुझे लेटर लिखा था आपकी एनिवर्सरी के रिमाइंड कराने के लिए, इसीलिए मैं आपके घर विजिट किया। मिसेस पिकनकॉट विस्परिंग टू हर हस्बैंड, ही इज़ इन जर्मनी, दिस इज़ द विल्फ्रिड, द गुड विल्फ्रिड, विल्फ्रिड द डिप्लोमैट। मिसेस पिकनकॉट मिस्टर पिकनकॉट के कान में कहती है ई वॉज इन जर्मनी, वह जर्मनी में, ये एक अच्छा विल्फ्रिड है जो हमारे पास आया है, विल्फ्रिड द डिप्लोमैट है। मिस्टर पिकनकॉट वी आर रूइंड, मिस्टर पिकनकॉट अपनी वाइफ के कान में कहते हैं कि हम रूइंड, हम बर्बाद हो गए, हमने जो सोचा था वो नहीं निकला, वो ये वाला विल्फ्रिड नहीं है। मिस्टर पिकनकॉट टू विल्फ्रिड, हाउ टेरिबल टू थिंक वी हैव अ थीफ वेट हेयर। अब मिसेस पिकनकॉट विल्फ्रिड को रिप्लाई करती हैं कि तुम गलत बोल रहे हो कि हमारा कोई नौकर थीफ है, मतलब हमारे घर में थीफ है, अभी यहाँ रुको। सो
सो फ्रेंड्स वी विल कंटिन्यू विद सीरीज 7. थैंक्स फॉर वॉचिंग.